धारा 44 100 जमा नहीं लाने प्रधान जी, और तूड़ी पे पहली बार धारा 144 लाई सरकार, देखो किसी है। तेल पे, गैस का, सिलेंडर पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, अरे सरिया जो किसान और मजदूर अपना मकान बनावे और काम आवे 9600 रुपये क्विंटल कर दिया कली राम जी। पुराने मकाना पाना पड़ेगा, पुरानी खेती पाना पड़ेगा, बड़द आंगला खेती करनी पड़ेगी साथियों से बसना, गौ माता रखनी पड़ेगी, गौ माता का दूध पीना पड़ेगा अगर ये जीवन बचाना है, अगर ये शरीर बचाना है। नी थोड़े हेदन में जुगर बुखार का टीका लागे है नी, घी के टीके लागेंगे, आगे एक टीका घी का लाए दे, जिसका ब्यौ तो होगा देसी का लुवाई लेगा, नहीं देशोरी का लुवाई लेगा। हर बार धन्यवाद बेबे, आए तड़के तो हमें फिर देवगी सुने इसी सुने फिर देवे पे कहना या और ओड़े बैठे जाए पर हो बेता हमें रखोगी जायत सी, और ये बैठे नहीं नहीं बैठे पाइप पकड़े, ये तो माता मसानी तो खुल के रह रहे हैं, तो हमें पाड़ोगी इस पहन क्यों ना, तो हमें घूंट घाट लें दी ना, तो हमें पैसे घेल दी, अरवे तारा तो सच्चाई बताऊं, ये सुरेश कोचकार हमारा बहुत पुराना, वैसे तो कलीराम भी हमारे पूजनीय हैं, सभी सीनियर साथी हैं। ये सुरेश न्यू क्या करे, इस पर तना गाना आवे है, त्रिमाना को बूढ़ा ठेरा मेरे से रोना आवे, ठाडी मेरी माँ भी रोन में तो खड़ी है, एक मैं छोटा था मैं नैन है मेरी माँ गोत्र की लेत्याणी गांव थे, मेरा बाबू जा रहा उसने लेन, और लेके मेरा बाबू मेरी माँ ने चलिया पूरा डैट गाल दिया गाल में, के रोई है मेरी माँ, एक आधा बाबा पे तो शंख भी नहीं बाजता इतना पड़ता। मेरे भी भाई है यह बालक था मैं, माँ की बात बनी सर पूरा डैट गल दे आवे थी लत्याणी गांव में, पीपल खड़िया है बड़ पीपल का पेड़ा, सरकारी बस में मेरी माँ मेरा अबू चढ़े सीट पे बैठ दे, मेरी माँ ने मेरा अबू का मारी कोनी अपनी माँ से ब्याह की गई यादम हाँ लोग दिखेवाओ करी रोण में ठाडी हो से 90 साल का भी बूढ़ा मेरे हाउस ने 10 साल का बनाया थे पिता में, और तो मैं भाई मजाक में कौन साथी है देखे को लत्याणी की बेटी भाई मेरी मौसी कह देसी थी, आयो मेरी मौसी 100 रुपये दे गैर पिछैन तो भी तो काट दूंगा, आए जब मैं बात बताऊ था जब बूढ़ा मरिया हुए पे तो हमें खुले मुंह मुंह पल्ले को नहीं करो, खुले मुंह जमा नहीं करो, खुले मुंह तो हमें रोज जे तम ना सी है जे सया सी है जे नहीं खुले मुंह रोए जे परता करके ले रोएगी ये जो कहेगी घोड़ी वाला है, दूसरी कहेगी तारे थिए कोई दिए लेने की कहता है तारे पीछे कोई नहीं है, इतनी ऑर्डर सर प्रोसेस है जिक्र बेरा हिमगे लड़ेंगी। तो इस करके साथियों जिसने भी कर्म किया है इस देश में, भगत सिंह, चंद्रशेखर, लाला लाजपत राय, उत्तम सिंह, बिस्मिल, झांसी की रानी, रानी किशोरी बाई, राजा सूरजमल, राजा नारसिंह, राजा भातुड़, बहुत वीरों ने कर्म किया है, कर्म के साथ साथ में परमात्मा ने फल दिया है। आप जो लोग अपना काम और काज छोड़कर आए हो, आप जो अपने खेत और मकान बाल और गोपाल छोड़ कर आए हो, जो आप लोग इस समस्या में बैठे हो, ये साथियों पंचायती आदमी ये कर्म है अपना, परमात्मा ने फल देना है। आप बैठे रहो, जब 40 दिन में 17 गांव की सुन ली, ये तो भाई एक गांव का
मतलब बातचीत चीज चल रही है, ना ताला खोलिया ना धड़ा उठा ना जनता कम हुई। और हमारी बहन क्रांतिकारी जिन्होंने इस काम का नाम, इस खाप का नाम, इस भाईचारे का नाम हरियाणा प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में संघर्ष किया है, हमारी बहन रीमन नायर पहुंची भाई, इसके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आई किसान साथियों, मजदूर साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने नारा दिया था संगठित रहो शिक्षित बनो, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, है मेरे देश के किसान, मेरा देश अनाज से भूखा है तू इसका पेट भर। जिस टाइम अमेरिका ने धमकी दी थी किसान साथियों इस भारत का अनाज बंद कर दूंगा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, हे मेरे देश के किसान, मेरा देश का पेट भर, अन्न पैदा कर, तने खाद दूंगा, बीज दूंगा, दवाई दूंगा, ट्रैक्टर दूंगा, हरो दूंगा, कल्टीवेटर दूंगा, यू बोला कुंबा कुमार जुटिया, जिस किले में बूढ़े 10 मण काटे थे 120 मण काटिया, 70 मण धान और 50 मण कनक साथी। सरकार के पास में अनाज रखने के लिए जगह नहीं है, मंडिया में सूर पड़ा है युवा की बोरियन, इतना अन्न पैदा कराया, मिलना चाहिए था किसान को मुनाफा, मिला कर्जा, मिला टोटा, देश के जवान का आगे धोड़ी फलाई थी, है मेरे देश के जवान, तू मेरे देश की रक्षा कर, सीमा पर पाकिस्तान जैसा देश नजर उठाकर ना देखे, तने वर्दी दूंगा, सलाह दूंगा, तनखा दूंगा, तेरी मदद करूंगा। आज भी सीमा के ऊपर किसान और मजदूर के बेटे हैं, आज भी खेत में किसान अन्न पैदा करके जो स्वामी दयानंद ने सत्य अर्थ प्रकाश में किसान को देवता लिखा है साथियों, देने वाला लिखा है, पेट भरने वाला लिखा है, काम करने वाला लिखा है। तो साथियों आज ये किसान और गौ माता दोनों दुखी है भाई, गौ माता किससे दुखी है, इन बीजेपी और जेजेपी वाले से, जो गौओं को मारना चाहते हैं, गौ साला को तोड़ना चाहते हैं, जो इस भाईचारा को बांटना चाहते हैं, और किसान भी दुखी है किसान के ऊपर। और भाई जो अपने भाई बीच में आया था उड़ान कैंपस वाला, उसका नाम था शत्रुघ्न, कल भाई ने भाई मेरे से कहा था इस पर एक बार जाते समय मिलना, लेकिन भाई मैंने रात गाड़ी छोड़ने गई भाई सत्येंद्र की गांव में, उस भाई सत्येंद्र का भी मैं हाथ जोड़ के भाई ने बड़ा मान सम्मान बड़ा सहयोग दिया, समाज सेवक भाई का बार बार धन्यवाद करता हूँ। कल मैं आया नहीं, फिर शाम ने भाई का फिर फोन गया, सवेरे फिर फोन गया साथियों, उस भाई ने एक मेमेंटो एक मूर्ति देकर 1100 रुपये देकर अपने बड़े भाई का मान सम्मान किया है, जोरदार ताड़ी बजाने का काम करे साथियों। और न्यू कह रहा ईश्वर बुढ़िया ने पूछ लिए भाई एक दिन का भंडारा में कितना के खर्चा हुआ, मंगाओ तो मंगे भी नहीं मेरा मानस घने आ गया, खर्चा घना आ गया, चलो बिचला है हिसाब ला लिया, में एक घर के 3 वोट लग गया ग्रह राजनीति में और 100 ग्राम आलुए की औस्त पड़िया ग्रह, बुढ़िया ने तो बेरा होगा, नौजवाना ने कोई नहीं बेरा, तो बोले ईश्वर आंकड़ा है दे दिए भाई। उस भाई का इस बात के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई, शत्रुघ्न भाई का स्वागत करते हैं। और कमेटी से ये बात भी कही थी मेरे से भाई, 15-20 मिनट में उसका ऑफिस पर आया भाई, इस पर कमेटी आए 5 बेटी, 5 कन्या जो गरीब समाज से हो, 3 महीना के लिए फ्री कोर्स कराऊंगा भाई, जो कमेटी आए 5 गांव में तो हूँ, गुहट में तो हूँ, जिसका भाई गरीब भी हो ब्यो तो नहीं हो फीस देने का, 5 लड़कियां के बारे में उस भाई का बहुत बड़ा दिल था साथियों, उस बात के लिए जोरदार ताली बजाए। और भाई आदरणीय किसान मजदूर संघर्ष समिति के हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष, जो लगातार 42 दिन से एक किसान की और मजदूर की मांग को लेकर तहसील के ताला लगाए बैठे हैं, जो हरियाणा में नहीं साबित भारत में किसान मोर्चा जो दिल्ली था उसके सदस्य, जो आप फोन पर टेलीविजन पर सुनते थे
आदरणीय भाई सुरेश को तुम्हारे बीच में पहुंच चुके हैं, जोरदार ताली बजाओ मेरे किसान साथी के लिए। उनके साथ में ताऊ पालड़ है भाई कोत गांव से, आदरणीय भाई कृष्ण है कोत गांव से, ये भाई सोता भाटा गांव के सुदान सिंह सरप साहब पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। भाई अशोक क्रांतिकारी साथी धनौदा गांव से पहुंचे हैं, जो भगत सिंह की सोच को लेकर प्रचार करते हैं, उसके लिए भी जोरदार ताली बजाने का काम करें, पूरी टीम का स्वागत है, बार बार धन्यवाद। जंगे दिखते अर्जे तामे बैठी रही अर्ता में आएंगे तारा सारा रहेगा, अरे नहीं भाई सरकार वाले कुत्ती भी घोषण देवा देखे नहीं सोचते हो, कमेटी वाले ने ठहर के ले जाएंगे, अरे टेंट बैठ देंगे, टेंट नहीं पटन दे, टेंट तो नहीं पटन दे, अले माल नुकड़े रही जाइयो ओ बाबू बेटा धन उठे। चलो भाई वक्ता जादे हैं, चंद भगवान मिले तू तो पी समय मानव कर्म करे का फल मिल गया, नहीं